प्रोफाइल से अगर आप देखेंगे तो ये आपको मर्सिडीज की जीएलई या सेम डीएनए है स्कॉर्पियो का, कि इंद्र 235 के साइज से ऊपर नहीं बढ़ी थी लेकिन। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को ना फुल मजे में जी रहे होंगे। भाई मौसम आज हो रखा है बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आपने देख लिया वो दोपहर का टाइम है और मैंने कर्टन खोल रखा है, सनरूफ का कर्टन। आज जो गाड़ी मैं आपको दिखाऊंगा ना, वो आप लोगों को बहुत पसंद है, वो आप लोगों का, वो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं वो गाड़ी खुद रख चुका हूँ यार, और मुझे उस गाड़ी से बहुत प्यार है। तो कौन सी गाड़ी दिखा रहा हूँ मैं, ये तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ स्कॉर्पियो एन की, जो कि अभी रिसेंटली स्कॉर्पियो एन शोकेस हुई है, लॉन्च नहीं हुई है, शोकेस हुई है अभी। अब यार सारी डिटेल तुम गाड़ी में ले लोगे, गाड़ी के साथ जाके बात करेंगे ना सारी बातें, ठीक है? तुरंत पहुंचता हूँ गाड़ी के पास। आ गए हम महिंद्रा के नए शोरूम में, नई गाड़ी का रिव्यू करेंगे नए शोरूम में। तो ये डीएम महिंद्रा का नया आउटलेट है सेक्टर 62 गुरुग्राम में। द ऑल न्यू बोल्ड एंड ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियन बोल लीजिए, स्कॉर्पियो एन बोल लीजिए। साइड से स्टार्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये गाड़ी कितनी बड़ी है। जी हाँ, लंबाई में चौड़ाई में ये पहले वाली स्कॉर्पियो से तो बड़ी है ही, अपने सेगमेंट यानी अब ये उस सेगमेंट की गाड़ी नहीं रही है, अब ये गाड़ी हो गई है डी सेगमेंट की। अब डी सेगमेंट में कौन सी गाड़ियां आती हैं? डी सेगमेंट में आपकी फॉर्च्यूनर आती है, ग्लॉस्टर आती है, आपकी जीप मेरिडियन आती है, और मतलब अपना कॉडियक आती है। तो ये गाड़ियां आती हैं डी सेगमेंट में, और स्कॉर्पियो एन भी उसी कैटेगरी की गाड़ी है, इसलिए बहुत ही बड़ी है भाई, मैसिव है ये गाड़ी। और आप इसका पहले वॉक अराउंड देख लीजिए, चारों तरफ से मैं आपको चलते चलते दिखा रहा हूँ। और हाइट की बात करें ना, तो मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है, ऑलमोस्ट नहीं 6 फीट है, और मेरे से भी ऊंची है भाई ये गाड़ी। तो देखो मेरे को अगर इसकी छत पे जाना पड़ेगा तो मेरे को ऐसे पकड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में आपको इसके ना बहुत सारी गाड़ियों का ना मिला जुला कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो मेरी नजर कहती है वो कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूँ। साइड से अगर आपको इस प्रोफाइल से अगर आप देखेंगे तो ये आपको मर्सिडीज जीएलई या जीएलसी सीरीज की दिखाएगी। लाइट्स अगर आप प्रॉपर सिर्फ लाइट्स लाइट्स को अगर आप फोकस करते हैं ना, तो आपको थोड़ी सी रिजेम्बलेंस ऐसी दिखेगी जैसे ये गाड़ी मर्सिडीज फैमिली से बिलोंग करती है, ये चीज़ जो ऐसे जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी की हेडलाइट्स की। यहाँ आपको मिलेंगी प्रोजेक्टर एंड नॉर्मल एलईडीज, मतलब जो आपकी लो बीम है वो प्रोजेक्टर में रहेगी और हाई बीम आपकी एलईडी है, ये दोनों व्हाइट लाइट ही। एंड नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे इसका डीआरएल और ये फोग लैंप, प्लस आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए, और यहाँ पे कट दिया गया आपके एयर डैम। सेंटर में आपको मिलेगी आपकी 6 स्लेट ग्रिल, जो महिंद्रा का ट्रेडमार्क है भाई, ये ऐसे 6 स्लेट होती हैं, ये नया महिंद्रा का लोगो। और यहाँ पे मिले आपको फ्रंट कैमरा, नीचे यहाँ पे आपका एयर डैम हवा जाने के लिए भाई। कंप्लीट फ्रेम की बात करें ना, तो यहाँ पे ना मिला जुला कलर दे रखा आपको, यहाँ पे थोड़ा मैट दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा ग्लॉस ब्लैक है, यहाँ पे फिर मैट दे रखा है। तो एक ना अच्छा कॉम्बिनेशन बना रखा है ना फ्रंट में, क्या मतलब ग्लॉस मैट क्रोम, मतलब किसी भी चीज़ का ना आपको ज़्यादा नहीं लगेगा कि ये चीज़ ज़्यादा हो रही है और ये चीज़ कम हो रही है। तो मिला जुला के ना फ्रंट इसका बहुत ही अच्छा मैसेज। अब आप देखो जाते हैं गाड़ी के साइड में, साइड से जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो ये प्रॉपर लाइंस जाती हैं ऐसे करके स्लाइड करके एंड देन बॉडी का सेम जैसे स्कॉर्पियो में, मतलब लाइन अप देखो वही है चीज़, मतलब वही है, मतलब स्कॉर्पियो की जो डीएनए था उसको नहीं छोड़ा गया। स्कॉर्पियो का डीएनए आपको कहीं ना कहीं इस गाड़ी में दिखेगा, लेकिन वही कहता है ना एक टाइम के साथ एक अपडेट आ जाता है, और ये तो भाई बहुत ही बड़ा अपडेट है कि स्कॉर्पियो एन जो है बॉडी क्लेडिंग है, जो व्हील आर्चीज पे है साइड में क्लेडिंग जाती है, उसको इस बार बॉडी कलर नहीं रखा गया। कलर होती थी टॉप वेरिएंट में एंड बेस मॉडल में वो ब्लैक होती थी, लेकिन इसमें एक अलग से ही आपको मैट फिनिश में ये दिया गया है, प्लस उसके नीचे छोटा सा सिल्वर लाइनिंग दी गई है जो एक बहुत अच्छा कंट्रास्ट बैठता है। एंड आपका साइड फुटस्टेप जो है वो इतना बड़ा नहीं रखा है, एक छोटा सा फुटस्टेप रखा है इन्होंने। छोटा फुटस्टेप का मतलब ये नहीं है कि फुटस्टेप छोटा है, लेकिन ये ना आपकी गाड़ी से ज़्यादा बाहर नहीं है। देखिए अगर आप साइड से देखेंगे तो ये गाड़ी से बाहर है ही नहीं, आपके ORVM इतना आता है तो उससे हाफ में ही आपका फुटस्टेप ये खत्म हो जाता है। साइड प्रोफाइल में भाई 4 चांद लगाते हैं इसके, 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स। टायर साइज इसमें बड़ा कर दिया गया, जी हाँ, अब तक महिंद्रा 235 के साइज से ऊपर नहीं बढ़ी थी, लेकिन स्कॉर्पियो एन में वो 255/60/18, मतलब ये टायर अभी तक ऑफिशियली नहीं होता था इंडिया में, 235/60/18 तक चलता था, लेकिन अब MRF ने नया टायर बनाया, MRF वंडर
AS, आप यहां देखेंगे AS, अब ये क्या स्टैंड करता है AS, ये तो भाई बाद में पता लगेगा। बाकी जो टायर्स की गुड्डी ट्रेड देख के लग रहा है तो ये हाईवे टेरेन और ऑफ रोड भी जा सकता है। डिस्क ब्रेक्स जो है वो आपके फ्रंट एंड रियर दोनों में रहेंगे, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे और फ्रंट में भी, तो वो तो हम गाड़ी को जब चला के देखेंगे तब पता लग ही जाएगा टेस्ट ड्राइव पे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है ब्रेक्स की, बाकी परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे। क्रोम का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से, मतलब पूरा ऐसे लाइन को ले जाके घुमा के यहाँ पे अच्छे से फिनिश किया गया लाइन में, तो कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये क्रोम ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। सेम वहीं पे जैसे फ्रंट में पार्ट है, बी पिलर सी पिलर आपके मैट ब्लैक में रखे गए हैं, और जो ORVM है उसमें ही आपको एम्बेडेड आपका इंडिकेटर मिलेगा। जो थर्ड रो का ग्लास है वो आपका फिक्स रखा गया, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है और ये टिंटेड है भाई, देखो आपको कलर थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा है ताकि जो बंदे थर्ड रो में बैठेंगे उनको डायरेक्ट धूप ना लगे, गर्मी ना लगे। और एक चीज जो सबसे मेन है वो जो अभी आपने नोटिस की, देखो यहाँ थोड़ा सा आपको बल्ज मिलेगा, ऐसे उठा हुआ मिलेगा, तो ये सेम DNA है स्कॉर्पियो का कि स्कॉर्पियो में भी ऐसे ही बल्ज देखे ऐसे उठा दिया गया। और रूफ रेल्स का डिजाइन भी पैटर्न लगभग वैसा ही है, क्योंकि स्कॉर्पियो में ऐसे ही यहाँ जाके बंद नहीं होती थी, पीछे ऐसे निकलती हुई रूफ रेल्स होती थी, तो सेम स्कॉर्पियो N में भी है। बात करते हैं गाड़ी के रियर की, अब रियर में भी इसको यार मेरे को बहुत सारी गाड़ियों की रिजेम्बलेंस आ रही है, वोल्वो की रिजेम्बलेंस भी है, महिंद्रा की जाइलो आती थी उसकी रिजेम्बलेंस भी है, स्कॉर्पियो की भी है, पर भाई जो भी रिजेम्बलेंस है सुंदर बहुत लग रही है। पीछे जो आपको टेल लैम्प मिलेगा, टॉल टेल लैम्प है, ये जब आपका अपडेट आया था 2006 में, उससे पहले छोटी सी लाइट होती थी स्कॉर्पियो में, उसके बाद अपडेट आ गया था तो ये टॉल टेल लैम्प्स आ गए थे, सेम कंटिन्यू किया स्कॉर्पियो में, यहाँ पे भी स्कॉर्पियो N में। एंड देन आपका पीछे मिलेगा आपको ये वाइपर, डिफॉगर, खोलोगे आपको रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे भी दिया गया है। जैसे हम डोर खोलेंगे इसमें गैस स्ट्रट ऑलरेडी लगा हुआ है। एंड आप पीछे आ गए तो भाई आपको बूट स्पेस की भी बात बताई देता हूँ, यहाँ पे आपको काफी स्पेस मिल जाएगा सामान रखने के लिए, आप नीचे भी स्लाइड करके पीछे सामान आराम से रख सकते हैं। इसका बेनिफिट एक और भी है सीट का, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले फर्स्ट आप इस सीट को यहाँ से डाउन करेंगे ऐसे, जैसे आप एक बार आपकी सीट डाउन होगी, अब अगर चाहें इतना सामान, अगर आपने और भी लगेज बढ़ाना है तो आप एक बार और इसको उठाएंगे तो डबल फोल्ड होके आपके पास ना बहुत सारा लगेज रूम बन जाता है। एंड यहाँ पे आपको रियर डोर में ना थोड़ा बल्ज दिया गया है ताकि अगर आपका सामान इससे थोड़ा बाहर भी आता है तो वो आराम से गाड़ी में आ सकता है। पहले वाली स्कॉर्पियो में तो हम इसको निकाल सकते थे, लॉक होते थे, लेकिन ये फिक्स है। लेकिन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको फोल्ड करके ऐसे अपना सामान इजीली रख सकते हैं। स्कॉर्पियो में जो आमने सामने वाली सीट आती थी, साइड फेसिंग सीट्स आती थी, वो अब नहीं आएंगी स्कॉर्पियो N में। स्कॉर्पियो में आती थी, स्कॉर्पियो N में नहीं आएंगी। सेफ्टी रीजंस होता है क्योंकि उन सीट्स पे आप सीट बेल्ट नहीं लगा पाते, और थर्ड रो में आपको यहाँ सीट बेल्ट मिलता है, पीछे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है। यही बूट में आपको ये स्टपनी छपी हुई मिलेगी, टायर छपा हुआ मिलेगा, स्टपनी है। यहाँ खोली, यहाँ से आप इसको रबड़ को जैसे ही हटाएंगे, इसको एक बार हटा देते हैं, इस रबड़ को हटाएंगे तो आपका टूल दिया गया है इसमें, इस टूल से आप इसको रिलीज करेंगे तो आपकी स्टपनी नीचे उतर जाएगी। और जो हमारी रियर सीट है, मतलब थर्ड रो की सीट है, वो एक ही एंगल पे आके लॉक होती है, मतलब आप इसको थोड़ा सा आगे नहीं लॉक कर सकते, सेम ये एक ही लोकेशन पे आके लॉक होती है। बताएं गाड़ी के अंदर, उससे पहले आपको मैं दिखाता हूँ गाड़ी की, भाई सारी महिंद्रा कार्स के अब यही की आ रही है, लॉक अनलॉक बूट एंड ये फ्लिप की में मिलेगी आपको। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा रिक्वेस्ट सेंसर, प्लस आपको यहाँ पे चाबी सेंसर, अगर आपके इस रिमोट की बैटरी ड्रेन हो जाती है तो आप यहाँ से अनलॉक करके गाड़ी खोल सकते हैं। बैंडल्स बिल्कुल नए हैं भाई, ये पहले स्कॉर्पियो में नहीं आते थे, ये नया है सेगमेंट, क्योंकि भाई गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अब बढ़ गई है, 187 mm है गाड़ी ग्राउंड में, लेकिन भाई देखने में बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं इसको पकड़ के एक बार आपको रूफ दिखा देता हूँ, तो यहाँ मिलेगी आपको इसकी सनरूफ, देन वही जो बल्ज ऐसे टेक ऑफ वाला जो बल्ज है वो है, एंड वहाँ मिलेगा आपको एक प्यारा सा शार्क फिन एंटीना। कि सनरूफ है ना वो ऐसा नहीं कि छोटी सनरूफ है, बड़ी सनरूफ भी महिंद्रा यहाँ दे सकता था, लेकिन जो ये बल्ज है इसके कारण वो पॉसिबल नहीं था, या तो वो DNA रख सकते थे या पैनोरामिक सनरूफ रख सकते थे, तो महिंद्रा ने भाई अपना स्कॉर्पियो का DNA रख लिया और इसको नॉर्मल अपना सनरूफ दी है कि आप आराम से इसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो जब आ गया हूँ मैं स्कॉर्पियो N के अंदर, तो अंदर का लेआउट ऐसा है भाई इसका, जो ब्लैक, ब्राउन, सिल्वर, क्रोम और भाई मैट, मतलब सारा कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त बिठा रखा है भाई महिंद्रा के इंजीनियर्स ने, कि भाई बैठते ना आपका दिल खुश हो जाएगा गाड़ी में। ये जो वाटरफॉल डिज़ाइन है ना, ये तो भाई एक नंबर का लग रहा है इस गाड़ी में, मतलब बेहतरीन लग रहा है, मतलब
जो स्क्रीन आपको मिलेगी वो 8 इंच मिलेगी, वो अभी बताता हूँ। पहले चलते हैं साइड डोर पे। साइड डोर में पूरा चेंज है ऑलमोस्ट यार, आपको पूरी गाड़ी स्कॉर्पियो से चेंज ही मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा इसका ग्रैब हैंडल, सिल्वर फिनिश में आपको ये मिलेंगे इसके डोर हैंडल्स। यहाँ आपको पियानो ब्लैक में मिलेंगे। चारों पावर विंडोज हैं आपके, लॉक अनलॉक विंडो लॉक, एंड ये आपका ORVM एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। एंड जैसे आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो स्टेयरिंग है वो खाली टिल्ट है भाई, आपके पास आएगा नहीं, रीच नहीं है, खाली आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम इसको एक पोजीशन पे, अपनी परफेक्ट पोजीशन पे लाके इसको सेट कर देते हैं। एंड यहाँ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, एनालॉग एंड डिजिटल, मतलब दोनों चीजें मिलेंगी आपको, पूरा डिजिटल नहीं है। मेरे को तो यही पसंद होता है, आपको पता है मुझे एनालॉग और डिजिटल मिक्स बहुत पसंद है। एंड यहाँ पे आपको देंगे इसके MID के कंट्रोल्स, ये आपका स्विच, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे वहां पे चेंज हो जाएंगी सारी चीजें, व्हीकल इन्फो, डिजिटल स्पीड, एंड आपका ये चला जाएगा फिर फ्यूल इन्फो पे, वहां क्लिक कीजिए। एंड देन उसके बाद आ जाएगी आपकी कितनी रेंज है गाड़ी में, कितना माइलेज दे रही गाड़ी। एंड देन ये आपका बैक स्विच, इसको आप बैक कर सकते हैं, फिर ऊपर नीचे करेंगे, व्हीकल इन्फो में चले जाइए आप, फिर आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन, टायर प्रेशर हो गया, एंड देन उसमें टायर टेम्परेचर हो गया, इसमें पावर टॉक कितना दे रही गाड़ी, तो ये सारे फीचर्स इसमें है। इधर आपको आपके म्यूजिक कंट्रोल मिलेंगे, और यहाँ मिलेगी आपको प्यारी सी इसकी 8 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी आपको यहाँ पे। एंड जस्ट उसके नीचे आपके इसके कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। यहाँ आपको मिलेंगे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये आपको डुअल जोन दिया गया है भाई, इधर वाले बंदे के लिए, इधर वाले बंदे के लिए, अपनी मर्जी से कर लो यार। एंड ये आपको ड्राइव मोड्स, ये हिल डिसेंट कंट्रोल का स्विच है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, ऑटो स्टार्ट स्टॉप आ गया। एंड ये आपका, अगर आप कैमरा देखना चाहते हैं फ्रंट में, तो इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है आपको। अभी फ्रंट कैमरा दिखा, आ गया आपका लास्ट SOS का स्विच। उसके नीचे आपको यहाँ मिलेगा आपका वायरलेस चार्जर, यहाँ आपको एक USB चार्जर मिलेगा, ये फास्ट चार्जिंग मिलेगा, और वहाँ आपका पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ वाला जो होता है ना बताने के लिए, यहाँ आपको मिलेगा इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टॉक कन्वर्टर है भाई ये। एंड यहाँ पे आप अपने दो कप होल्डर्स रख सकते हो। और एक चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ इसको ना मैट ब्लैक रखा गया है, क्योंकि ना ग्लॉस ब्लैक पे ना स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो भाई ये अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने आपको बताया ना, पूरी गाड़ी में ग्लॉस ब्लैक, मतलब आप पियानो ब्लैक बोल लो, मैट ब्लैक बोल लो, सिल्वर फिनिशिंग बोल लो, ब्राउन टैन लेदर बोल लो, तो मतलब इन सारी चीजों का ना यार बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया है। और यहाँ आपको मैनुअल हैंडब्रेक मिलेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्क नहीं मिलेगा इसमें। एंड आर्मरेस्ट काफी बड़ा है इसका, दो बंदे आराम से अपना हाथ रख सकते हैं इस पे। एंड यहाँ पर अपने की या अपना फोन कुछ भी रख सकते हैं, ये ज्यादा डीप नहीं है ये इतना, क्योंकि इसके नीचे आपका ब्लोअर दिया गया, वो जब पीछे वाली सीट पे चलेंगे तब आपको समझाऊंगा उसके बारे में। एंड यहाँ आपको दिया गया इसका स्टार्ट स्टॉप का स्विच, वर्टिकली रहेंगे जैसे पहले स्कॉर्पियो में रहते थे, सेम वही स्कॉर्पियो एन की बैजिंग आज भी वही है जैसे पहले वाली स्कॉर्पियो में आती थी सेम। तो मतलब जो आपको स्टांस है ना गाड़ी में बैठने का, मतलब जो रोड किंग वाली फीलिंग है, वो आज भी स्कॉर्पियो एन में बरकरार है भाई। और ये Z8 मॉडल है, तो आपको इसमें सोनी का साउंड सिस्टम मिलेगा भाई सारा। ये देखिए यहाँ पे जैसे आपको XUV700 में मिलता है, सेम वही आपको 12 स्पीकर्स का सराउंड साउंड मिलेगा स्कॉर्पियो के Z8L, मतलब ये लग्जरी एडिशन में। यहाँ आपको खोल के दिखा देते हैं इसका ग्लव बॉक्स जो इल्यूमिनेटेड है, एंड आपका कूल्ड ग्लव बॉक्स भी है। IRVM जो रहेगा वो आपका मैनुअली एडजस्टेड रहेगा, जैसे भाई अपना 700 में बाकी महिंद्रा की गाड़ियों में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती यार, एक बार इधर कर लो एक बार उधर कर लो, क्या फर्क पड़ता है। एंड यहाँ आप अपना सनग्लास होल्डर है, यहाँ आप अपनी ये लाइट्स इंडिविजुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये आपकी डोर से, जैसे आप डोर खोलेंगे ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी, एंड दरवाजा बंद करते आपकी बंद हो जाएंगी। यहीं से आपकी सनरूफ काम करती है भाई, जैसे आप इसको दबा के रखेंगे ये आपकी सनरूफ ओपन हो जाएगी। वन टच नहीं है ये, आपको दबा के रखनी पड़ेगी, जहाँ तक मैंने अभी तक इसको चेक किया है वन टच नहीं है भाई, मैं एक बार टच करके देख रहा हूँ। एंड यहीं तक जाती है भाई ये, उसके बाद एक और बस इतना ही जाएगी ये। तो इसमें से भाई अच्छा खासा स्पेस है, बंदा आराम से बाहर इसमें निकल सकता है। एंड काफ़ी रग्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब रफ टफ है भाई पूरी, मतलब ये प्लास्टिक की जो क्लेडिंग है ये काफ़ी मजबूत क्लेडिंग है, यहाँ कपड़ा की जरूरत पड़ी ही नहीं है महिंद्रा को, भाई इतना ही बहुत है, तो काफ़ी मजबूत है यार। और यहाँ आपको माइक दिया गया, अगर आप फोन से कनेक्ट करके बातें कर रहे हैं तो आपके वॉइस कमांड्स लेने के लिए। गाड़ी में सीट्स का कंफर्ट बहुत अच्छा है, मतलब स्कॉर्पियो की सीट्स तो कंफर्टेबल रही, क्योंकि बड़े साइज होती है ना सीट्स का, तो भाई कंफर्टेबल है। और जो साइड में जो हमारे को सपोर्ट मिलता है ना, ये भी बहुत अच्छा है, तो आपको कंफर्ट की तो दिक्कत आएगी ही नहीं। बाकी जो बाकी चीज़ें जो कंफर्ट का पता लगता है वो आपको मैं ड्राइव के टाइम पे बताऊंगा। अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पे, उससे पहले मैं अपनी वाली सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। जी अब आ गया मैं गाड़ी की
सेकंड रो में, रियर तो अभी बाकी है भाई, रियर तो अभी पीछे है, पीछे भी चलेंगे, उससे पहले अभी हम आए हैं सेकंड रो में। सेकंड रो में मेरे पास एम्पल स्पेस है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा लेग रूम है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास लेग रूम की कमी है। अंदर थाई सपोर्ट भी काफी है मेरे को, अगर मैं आराम से रिलैक्स करके बैठता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आराम से इसमें रिलैक्स करके आराम से बैठ सकता हूँ। सेंटर में मुझे आर्मरेस्ट दिया गया, अभी यार ये पॉलिथीन चढ़ाओ ना सीट्स पे तो क्यों फाड़ना है पॉलिथीन अभी। अगर हेडरूम की बात करें तो देखो हेडरूम तो मेरे पास काफी है, क्योंकि जो बताया ना मैंने जो स्कॉर्पियो का डीएनए जो बल्स दे रखा है ऊपर उठा रखा है बॉडी को, तो उसका भरपूर फायदा मिलता है आपको हेडरूम में। यहाँ पे आपको दे रखे हैं आपके ग्रैब हैंडल्स, इधर भी मिलेंगे उधर भी मिलेंगे। सेंटर में आपको लाइट मिलेगी ऑन करने के लिए, मतलब आपके साइड्स में वहां नहीं मिलेगी, इधर नहीं मिलेगी, सिर्फ एक यहाँ मिलेगी पूरी गाड़ी में, और थर्ड रो में मिलेगी वहां पीछे की तरफ। एंड यहाँ से आता है भाई इसका ये लुक, फ्रंट का लुक ऐसा दिखता है, सेंटर कंसोल इसका ऐसा दिखता है भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। और मतलब यहाँ से जब आप बैठोगे ना रियर में भी, अगर आप सेकंड रो में भी अगर आप बैठे हो ना, तो आपको ना ये नहीं लगेगा कि मतलब वो जो एक ट्रेडमार्क था ना कि खाली एक स्कॉर्पियो रफ टफ है, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ एक सबसे अच्छी चीज की है भाई महिंद्रा ने इस बार ना, ये जो ब्लोअर है ना पीछे वाला मतलब सेकंड रो के लिए, इसके कंट्रोल भाई अलग से यहाँ पे दे दिए। उससे पहले भाई स्कॉर्पियो में यहाँ कंट्रोल होते नहीं थे, आगे वाली स्पीड बढ़ेगी उसी हिसाब से यहाँ हवा मिलेगी, क्योंकि अभी भी आपको इसके रूफ में या साइड पिलर्स पे एसी के वेंट्स नहीं मिलेंगे। प्लस आपको यहाँ एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट जरूर मिल जाएगा, बस आप उसको यहाँ लगा के, स्पेस नहीं है भाई कहीं रखने का, यहाँ लगा के या तो उसको फोन को यहीं रख लेना या यहाँ रख लेना भाई, या अपने हाथ में पकड़ लेना या इसका फ्रंट सीट की बैक पॉकेट में डाल देना। और जो गाड़ी की सेकंड रो सीट्स है भाई, इनको आप रिक्लाइन भी कर, आपके लीवर देगा उसको आप पुल करेंगे तो ये आगे हो जाएगी, और ऐसे ही आपकी इस लोकेशन पे, एंड और चाहते हैं तो आप इतना आराम से पीछे रिक्लाइन करके आराम से इसमें बैठ। ऐसे रियर डोर आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा सॉफ्ट टच मिलेगा, ये ब्राउन हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, ये ग्रैब हैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील देता है, यहाँ आप अपनी एक बोतल रख सकते हैं। और थर्ड रो में जाने के लिए यहाँ पर एक लीवर दिएगा, इसको आपको पुल करना है, और ये वन टच टंबल डाउन है, मतलब आपने एक बार उसको पुल करना है और ये अपना फोल्ड होगी और आगे चलेगी, और यहाँ से आप पैर रख के आराम से पीछे जा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने देखो थोड़ा सा उठा के प्लास्टिक दिया, ये देखो ये प्लास्टिक का पार्ट देख रहे हो, थोड़ा सा उठा के ताकि कारपेट भी खराब ना हो, आराम से आप पहले फुट स्टेप पे पैर रखिए फिर यहाँ से, और फिर देन चले जाइए पीछे। अब चलते हैं गाड़ी में थर्ड रो में। अब गाड़ी के थर्ड रो में तो मैं आ गया हूँ भाई, पर थर्ड रो मेरे लिए तो नहीं बनी क्योंकि मैं बैठूंगा तो, क्योंकि एक तो ये सीट वैसे मैंने बहुत रिक्लाइन कर रखी है, पर मैं यहाँ बैठ जाता हूँ तो भाई ऐसा है एक दो घंटे के लिए तो मैं यहाँ आराम से बैठ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हेडरूम भी बस मेरे को पूरा पूरा मिल रहा है, हाँ लेकिन 5.5 फुट 5 फुट 6 इंच एक ही होता है भाई, मतलब 5.5 फुट या 5 फुट 8 इंच तक का बंदा इसमें बैठ सकता है, बाकी भाई बच्चे ही थर्ड रो में आराम से इसमें बैठ के जा सकते हैं, वो कंफर्टेबल क्योंकि सीट कंफर्टेबल है, पर स्पेस बड़े बंदे के लिए मतलब लंबी हाइट के बंदे के लिए कम है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दे रखा है, यहाँ पर अपना फोन रख सकते हैं, और एक 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग पोर्ट इस साइड में दे रखा है, और यहाँ आपको ऊपर ट्विटर मिल जाएंगे। यहाँ आपको मिलेगा पैसेंजर साइड रियर में इसका डीजल टैंक उतना ही रखा भाई 60 लीटर का, और ये इसका एडलू जिसको आप डीएफ बोलते हैं डीजल एग्जॉस्ट फ्रूट वो यहाँ डलते हैं। ये अच्छी चीज़ है, दोनों चीज़ एक ही जगह दे रखी है। गाड़ी का जैसे फ्रंट अट्रैक्टिव है ना, सेम ऐसे भाई रियर भी इसका ना बिल्कुल अलग सा ही, मतलब आप ये नहीं कह सकते, मतलब एक अलग सी फीलिंग, मतलब एक न्यू जनरेशन वाली जो फीलिंग होती है ना, सेम वही फीलिंग है, सेम वही, मतलब जो गाड़ी का कलर है रेड कलर भाई बहुत सूट कर रहा है इस पर, सेम वही कलर, फिर ब्लैक पियानो ब्लैक मैट ब्लैक एंड क्रोम। एंड यहाँ पे आपके ये बैक लाइट जब आप गाड़ी बैक करते हैं तो यहाँ पे आएगा, एंड जो ये लाइट्स हैं ये आपके सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स हैं, ये आपको ऑन करके दिखा देता हूँ मैं एक बारी, तो ऐसे दिखते हैं भाई इसके ये सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स टाइप के। तो भाई अब बारी आ गई बोनट की, वैसे तो मेरे लिए तो भाई सबसे शुरुआत में ही आ जानी चाहिए, पर कोई बात नहीं, अब सारी गाड़ी दिखा दी, अब लास्ट में दिखा रहा हूँ आपको। एंड आपको ये ग्लास विंड स्क्रीन पे दिख रहा है, अब आपको ये ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटोमेटिक लाइट्स के लिए भाई वो सेंसर दे रखा है। अब यार बोनट खोल लेते हैं, यहाँ पे लीवर है इसका ऐसे, ओ भाई बहुत भारी बोनट है, एक हाथ से तो उठ ही नहीं रहा, चलो भाई उठा लिया वैसे मैंने बोनट को। जैसे आप इसके इंजन को देखो ना, आपको ना पूरा एयर ही दिखेगा, मतलब कहते हैं तसल्ली से बैठ के बना रखा है, पूरी खुला डुल्ला आराम से बना रखा ताकि इंजन को भी अच्छी खासी बढ़िया हवा मिलती रहे यहाँ बैठे। और यार ये ईसीयू ना बिल्कुल भारी दे रखा है, खैर भैया अगर आप गलती से वॉश करा रहे हो तो भाई इसको ढक लेना भाई, पानी वानी ना चला जाए। जस्ट बैटरी के पीछे आपको इसका मिलेगा एबीएस, ये आपका है फ्यूज बॉक्स, जितनी बड़ी ये गाड़ी है ना उतना ही बड़ा इसका एयर फिल्टर है,
और आप एक चीज मिस कर रहे हो, मैंने सब कुछ बता दिया, ये तो बताया नहीं इस गाड़ी में घोड़े कितने घोड़े हैं भाई, 172 मतलब राउंड फिगर मान लो 175 हॉर्स पावर एंड 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क फॉर मैनुअल एंड 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क फॉर ऑटोमेटिक, समझ गए, पावर बहुत है गाड़ी में, पूरी पावर अब जब भगाएंगे तब पता लगेगा। सेम जैसे सिक्वेंशियल इंडिकेटर इसके रियर्स में, वैसे आपके फ्रंट हेडलाइट्स में मिलेंगे, यहाँ आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर देंगे। शुरू में मैंने बताई दिया था आपको, फिर भी दोबारा बताता हूँ, जो आपकी हेडलाइट रहेगी वो लो बीम रहेगी प्रोजेक्टर एलईडी और हाई बीम रहेगी आपकी एलईडी, एंड आपका फोग लैंप भी इस बार प्रोजेक्टर वाइट है भाई। तो ये थी जी स्कॉर्पियो एन का रिव्यू, मतलब स्कॉर्पियो एन के बारे में मैंने आपको कम्प्लीटली डिटेल बताया। फिर भी भाई छोटी मोटी जो कमी अगर आपको रह गई हो, आप कहते हो विक्रम भाई ये चीज़ बताना भूल गए, तो भाई कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको फिर बता दूंगा, नहीं तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और भाई इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई, क्योंकि डिटेल में ही, क्योंकि इस गाड़ी में फीचर्स इतने आपको डिटेल देते देते ही भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव का वीडियो हम अलग बनाएंगे, जिसमें मैं गाड़ी के बारे में आपको ड्राइव कंफर्टेबल सस्पेंशन एवरीथिंग सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो कैसा लगा आपको यह स्कॉर्पियो एन का रिव्यू, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पर नया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल भाई, चैनल सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना, वो जो रेड सा होता है ना उसको क्लिक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल भी अपना प्रेस कर देना। और अगर आपको स्कॉर्पियो एन परचेज करनी है तो भाई जल्दी से जाके शोरूम पे विजिट कीजिए या ऑनलाइन अपनी गाड़ी को एड टू कार्ट कर लीजिए, क्योंकि 30 जुलाई से स्कॉर्पियो की बुकिंग स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं खड़ा हूँ सेक्टर 62 डीएम महिंद्रा गुड़गांव में, और अगर आपको अपनी गाड़ी बुक करानी है एंड महिंद्रा की कोई भी गाड़ी आपको लेने का मन है, आप शोरूम पे जा सकते हैं और अपनी गाड़ी बुक करा सकते हैं और फटाफट अपनी गाड़ी की डिलीवरी ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, गो चेक इट आउट एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ फुलेस्ट। ओके जी, बाय बाय।